तो आज मैं आपको मूंगफली की चटनी बनाने के लिए बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया 50 ग्राम करीब मूंगफली, स्वाद के अनुसार नमक, एक लाल मिर्च, राई और थोड़ा सा इमली पानी में फुला के इसे छान के ले लिया मैंने। अब हम बादाम को भून रहे हैं लाल होने तक। ये देखिए बादाम भून चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए मूंगफली ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक कपड़े में निकाल लेंगे ऐसे हाथ पे। ऐसे मूंगफली को कपड़े में निकाले तो आप इसे ऐसे हाथ से मसल ले, इसे मसल के इसका सारा छिलका उतार दे। अब इसमें हमने सारे सामानों को डाल दिया, इमली के पानी, लहसुन की कली और नमक डाल के, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, सादा पानी डाल के, और मिक्सी के जार को बंद कर देंगे। ये देखिए मूंगफली अच्छे से पिस गया है, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे इसमें हम, इसे ऐसे ऐसे हाथ मिला देंगे। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा राई डाल देंगे, राई को गर्म हो जाने दें, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, सरसों तेल डालेंगे 1 चम्मच के करीब। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक हम लाल मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च को तेल और लाल मिर्च सब कुछ अच्छे से गर्म हो चुका है, पक चुका है, इसे एक बार में से चला देंगे, चटनी में डाल देंगे, इसे चटनी में डाल के हल्का सा इसे ऐसे से मिला देंगे। ये देखिए बादाम का चटनी बन के तैयार हो चुका है, आप इसे किसी भी चीज़ समोसे या फिर ब्रेड पकौड़ा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।